हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किस तरह से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं और आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे सिलेबस में है वो है या तो 2+2 मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग इनवर्स कैलकुलेट करना या फिर 3+3 मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 3+3 मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 2, 1, -3, 4, 3, 5, 6, 2, -1। हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कि इनवर्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ए इनवर्स ए नोटेशन है इनवर्स के लिए। ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है करने का। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे जिनको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और फिर क्या करेंगे, उससे जो कोफैक्टर्स मिलेंगे उनको कोरस्पोंडिंग रख के उनका ट्रांसपोज कर देंगे। इस तरह से हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिवाइड में डेटरमिनेंट है तो इट इज क्लियर दैट डेटरमिनेंट है जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर डेटरमिनेंट जीरो हो गया तो ये इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, हमारा डेटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात हो रहा है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जीरो होता है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है कौन सी मैट्रिक्स के लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इनवर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम डेटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेटरमिनेंट से ही हमें यह पता चलेगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो डेटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, डेटरमिनेंट ए 2 × -3 और -1 × -4 और -30 -3 × 8 -18। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इज यहां से हमारे पास -13 से -26, -34 से +34 और यहां पे -10 से +30। डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ये -26 है और प्लस ये हमारे पास हो गया 64। डेटरमिनेंट ऑफ ए तो 64 में से हम 26 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 38। क्योंकि हमारा डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और किसके इक्वल है इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है और वो इस तरह से कैलकुलेट करेगा। डेटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग जो डेटरमिनेंट है उसके कोरस्पोंडिंग जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे।
तो कोफैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं ए वन वन माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस वन। ए वन वन का कोफैक्टर निकालना है हमें, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे हम, बाकी जो बचा है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देंगे। तो बाकी हमारे पास बचा है थ्री फाइव टू और माइनस वन, इसका डिटरमिनेंट होगा माइनस थ्री और माइनस टेन। तो ये माइनस थर्टीन, ये प्लस ही है तो माइनस थर्टीन ही रहा। ए वन टू इज माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस टू, इट इज इसका निकालना है हमें तो इसको छोड़ देंगे, माइनस फोर और माइनस थर्टी, माइनस थर्टी फोर और ये भी माइनस प्लस के थर्टी फोर। ए वन थ्री माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस थ्री, इसके कोरिस्पोंडिंग कैलकुलेट करना है तो एट माइनस एटीन, तो ये माइनस टेन हो जाएगा हमारे पास। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि पहले तीन कोफैक्टर्स हैं जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, वो सिर्फ आगे जो साइन है वो चेंज हो सकता है, बाकी जो डिटरमिनेंट में आपने तीन अंदर की टर्म्स लिखी हुई हैं वही सेम टर्म्स है ये हमारे पास। इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आपको काम को फास्ट करना है तो माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस वन इंटू दिस, माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस टू इंटू दिस एंड माइनस वन रेस्ट टू पावर वन प्लस थ्री और दिस, ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं टूवल, टूवल के कोरस्पोंडिंग देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। माइनस वन रेस्ट टू पावर टू प्लस वन, इसका कैलकुलेट कर देते हैं जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे हम, माइनस वन और ये प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस वन और प्लस सिक्स, यहां से माइनस और ये फाइव तो माइनस फाइव। ए टू टू इज माइनस वन रेस्ट टू पावर टू प्लस टू, इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे टू टू के कोरस्पॉन्डिंग जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, माइनस टू और ये प्लस एटीन हो जाएगा, माइनस टू और प्लस एटीन, यहां से हमें प्लस के सिक्सटीन मिलेंगे, ये भी प्लस है तो सिक्सटीन हमारे पास आ जाएगा। ए टू थ्री इज माइनस वन रेस्ट टू पावर टू प्लस थ्री, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, फोर माइनस सिक्स, यहां से माइनस मिलेगा तो माइनस टू तो ये प्लस का टू हो जाएगा। ए थ्री वन इज जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस वन रेस्ट टू पावर थ्री प्लस वन फाइव प्लस नाइन फोर्टीन। ए थ्री टू इज माइनस वन रेस्ट टू पावर थ्री प्लस टू, इसके कोरस्पोंडिंग हम कैलकुलेट करेंगे टेन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, इट इज ट्वेंटी टू विद माइनस साइन, माइनस ट्वेंटी टू। और ए थ्री थ्री इज माइनस वन रेस्ट टू पावर थ्री प्लस थ्री, इसका सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर ये टू टू ही आ जाएगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस थर्टीन थर्टी फोर माइनस टेन माइनस फाइव सिक्सटीन टू फोर्टीन माइनस ट्वेंटी टू और टू ट्रांसपोज। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि इसका हमें ट्रांसपोज भी करना है। तो ये हो जाएगा माइनस थर्टीन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, थर्टी फोर माइनस टेन माइनस फाइव सिक्सटीन टू, ये हो जाएगा फोर्टीन माइनस ट्वेंटी टू और टू। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है ये एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स। बस हम क्या करना है, जिसका डिटरमिनेंट आया है वो लिख देंगे इसके साथ हमारे पास वन डिवाइड बाय थर्टी एट और ये एडजॉइंट, माइनस थर्टीन माइनस फाइव फोर्टीन थर्टी फोर सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी टू माइनस टेन टू और टू, तो ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स।
अगर आप चाहो तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टर्म्स कैंसिल नहीं है हो रही है, तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने इनवर्स किसी भी स्केल मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सिलेबस में 2x2 और 3x3 के लिए, तो हमने एग्जाम्पल लिया है 3x3 के कोरिस्पोंडिंग। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें क्या करना है, डेटरमिनेंट निकालना है। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। अगर डेटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेटरमिनेंट सबसे पहले हमने निकाला, वो जीरो नहीं आया। अगर जीरो आ जाता है तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, हम लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके बाद हमें पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। उसके लिए कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिखी और एडजॉइंट कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद इनवर्स के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिख दी। इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है साथ में कि हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू एडिटिव। तो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म ये बन जाएगी कि गिवन मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए देखते हैं इसको। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो है ए इनवर्स। हम ए ले लेते हैं, ए इज 2, 1, -3, 4, 3, 5, 6, 2, -1 और ए इनवर्स है हमारे पास 1/38, -13, -5, 14, 34, 16, -22, -10, 2 and 2। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट पार्ट के लिए। 1/38 को हमने आगे लिख लिया है और इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी जब इसके साथ करेंगे तो -26 + 34 + 30। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -10, -10, +16 और -6। नेक्स्ट इज 28, -22 और -6। सेकेंड रो के लिए करेंगे -52, ये -52 हो जाएगा और ये +102, इसके लिए -50। नेक्स्ट है हमारे पास -20, -20, +48 और +, इसकी जब इसके साथ की तो -20, +48 और +10। नेक्स्ट के लिए हमारे पास होगा 56, -66 और +10। इसी तरह से थर्ड रो के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास -78, +68 और +10। नेक्स्ट इज सेकंड के लिए करेंगे -30, +32 और -2। लास्ट एलिमेंट होगा 84, 2 की -22 के साथ करेंगे तो -44 और ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/38 तो -26, 34 और 30, 68, 26 तो ये 38, +16 और ये भी -16 तो 0, -22 बनेंगे तो ये भी 0, यहां से -102 तो ये भी 0, तो 58 -28 38 रह गया हमारे पास।
माइनस 66 प्लस के 66 जीरो, माइनस 78 प्लस के 78 अगेन जीरो, और यहां से भी हमारे पास प्लस के 32 माइनस के 32 जीरो, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 84 माइनस 46 38। तो इसको हम अंदर ले आएंगे तो सभी पार्ट से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया कि ए ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए इनवर्स को हम आगे लिखेंगे तो 1 डिवाइड बाय 38 माइनस 13 माइनस 5 14 34 16 माइनस 22 माइनस 10 2 एंड 2 विद हमारे पास 2 1 माइनस 3 4 3 5 6 2 और माइनस 1। फिर हम इसी तरह से करेंगे इसको। इसके लिए आया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 38 माइनस के 26 माइनस 20 और 56। नेक्स्ट है माइनस 13 माइनस 15 प्लस 28। तो ये हमारे पास दोबारा से रिपीट करते हैं इसको, माइनस 16 माइनस 20 और 84, यहां पे 84 है। नेक्स्ट है माइनस 13 माइनस 15 और प्लस के 28। नेक्स्ट इज 39 माइनस 25 और माइनस के 14। इसी तरह से अगर हम सेकंड एलिमेंट लें, सेकेंड रो के एलिमेंट लें तो हमारे पास होगा 68 64 माइनस 132। नेक्स्ट इज 34 प्लस 48 माइनस 44। नेक्स्ट इज इसके करेंगे इसके साथ तो माइनस 102 प्लस 80 और प्लस 22। थर्ड रो के एलिमेंट होंगे माइनस 20 प्लस 8 और प्लस 12। नेक्स्ट है माइनस 10 प्लस 6 और प्लस 4। नेक्स्ट है 30 प्लस 10 और माइनस 2। 1 डिवाइड बाय 38 इट इज, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 46 माइनस के, तो ये रह जाएगा 38। अगेन ये माइनस 28 प्लस 28 जीरो, 39 माइनस 39 जीरो, यहां से 68 प्लस 64 132 माइनस 132 जीरो। ये हमारे पास 34 और 48 ये हो जाएंगे हमारे पास 44। हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 80 और 22 102 और माइनस 102 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 20 अगेन जीरो, यहाँ पे भी 0 10 माइनस 10 0, यहाँ पे 40 माइनस 2 38। और हम इस 38 को अंदर ले जाएंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट से भी जब हमने कैलकुलेट किया तो आइडेंटिटी के इक्वल आया, और हमारा जो सेकंड पार्ट हमने कैलकुलेट किया वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि ए ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या किया, इनवर्स कैलकुलेट किया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। वो 2x2 के लिए भी हो सकता है और 3x3 के लिए भी। हमारे सिलेबस में जो 2x2 और 3x3 के कोरिस्पोंडिंग है, हमने उसमें से 3x3 का क्वेश्चन लिया है। और फिर उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इनवर्स जब कैलकुलेट किया है कि ए की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।